भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनाव का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और चुनाव ही एक ऐसा हथियार है जिसके बलबूते आम जनता अपने नेताओं को चुनती है। जी हाँ, वही नेता जो आम जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं सदन में, विधानसभा हो या लोकसभा हो। वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 19 अप्रैल को देश भर में लोकसभा प्रारंभ हो जाएगी। हम आ पहुँचे हैं उस जनता के बीच जो जनता लोकतंत्र का भविष्य है। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़का गांव में। बड़का गांव क्षेत्र है जो हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत आता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। चचा, क्या नाम हुआ आपका? बलदेव सोनी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, मोदी की गारंटी कोई कह रहा है तो कोई कांग्रेस की गारंटी, न्याय की बात कर रही है। बड़का गांव निवासी हैं आप क्या सोचते हैं इस बार किसके साथ, मोदी की कांग्रेस? हम जब से हैं तब से बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। दूसरी बात, महंगाई जो है से महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई थोड़ा कंट्रोल है, घुसखोरी ज़्यादा है, बैंक में, ब्लॉक में, थाना में, हर जगह घुसखोरी है, कोई काम नहीं होता है। जनता मतलब जाता है, घूम के चला आता है ब्लॉक से, सी प्लस छोटा छोटा काम नहीं हो पाता है, 14 बार घूमते रहिए, इस पर रोक लगावे और इस पर बैंड लगावे, और विशेष क्या बोले। लगातार कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी, और एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी कुछ काम नहीं करी। आप भाजपा समर्थक हैं, भाजपा का कौन सा वो काम अच्छा लगा जिसको लेकर आप मोदी जी को ही चुनने जाइएगा? भाजपा का मतलब 2-3 गो 4 गो जो भी काम है ठीक है लगा। जैसे कि राम मुद्दा हुआ, मंदिर बना, 370 धारा खत्म हुआ, घर घर में लैट्रिन बाथरूम दिया, 5 किलो अनाज से आदमी खुश नहीं है, 5 किलो अनाज से उसको चल नहीं रहा, इतना महंगाई हो गया ना चरम सीमा पर, तो महंगाई के चलते आदमी बहुत व्यस्त है, धंधा चल नहीं रहा है, तो क्या करेगा आदमी, इसी के चलते मतलब इस पर रोक लगावे और इस पर मतलब ऐसी करे। हम हैं बीजेपी का समर्थन है और बीजेपी का समर्थन, महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई बहुत जबरदस्त कम ऐसी है, चरम सीमा पर महंगाई। और दूसरी बात है कि घुसखोरी इतना है कि कहना ही नहीं है, ब्लॉक में जाइए तो घुसखोरी है, मुंह मांगा पैसा मांगता है, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो इस तरह से कैसे पब्लिक हो पाएगा, यही बोलना चाहते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, यही लोगों की मांग है कि महंगाई कम होने चाहिए। कुछ और लोग मौजूद है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नरेश मेहता। नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कई वादे किए जा रहे हैं, आपके मन में क्या है, कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप वोट देने के लिए जाइएगा? वो तो अपना मत है ही, अपना ही मत लेकर जाना है। अहम मुद्दा रहेगा जो मन में चल रहा है कि वो आम पब्लिक के लिए करना चाहिए एक नेता को? आम पब्लिक को नेता लोग के करना चाहिए जो जो फालतू खर्चा होता है, चुमुखी विकास गांव में हो, जो जन देखे 5 साल तक देखे जो फलना विधायक रहे फलना काम किया हुआ है, फलना संसद रहे फलना काम किया हुआ, फलना जिला परिषद रहे 5 साल ये जिला परिषद के नाम के काम किया हुआ है, मुखिया रहे काम किया, नाम कमाता उन लोग, हर जगह घुसखोरी है, ब्लॉक स्तर में काम नहीं होता है, वो मांगा पैसा मांगा जाता है। और लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन से नेता को वोट देने जाइएगा, क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर मनीष जायसवाल को या जेपी भाई पटेल को, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं? नहीं, मैं तो ये मेरी कही थी भाजपा को ही वोट दूंगा, क्योंकि भाजपा से ही कुछ सुधार हुआ है, और तो कांग्रेस को जो पहले हम लोग वोट दिए है ना, तो इसमें हम लोग को जो भी इधर कहा जाता है कि कोलवरी खुला, उसमें सभी लोग यहाँ से भागे जा रहे हैं और किसी को इसका जगह नहीं मिलता है उसमें काम करने के लिए।
बाहर के आदमी आया करके इस जगह पे कमा रहा है, जी रहा है, खा रहा है। स्थानीय को रोजगार देना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोजगार चाहिए और इस जगह का मैंने कोई भी विकास में जो है सो काम हो नहीं पाता है। और दूसरी ओर है कि वो झारखंड सरकार जो है अभी जो 5 किलो अनाज दे रही है वो मनमाना दे रही है, कभी देती है कभी नहीं देती है। और जो मोदी जी का कार्ड बना हुआ है वो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन झारखंड सरकार जो का है कार्ड कौन सी कहते हैं उसको ग्रीन कार्ड, उसमें कभी 2 महीना में, कभी 4 महीना में, कभी 1 महीना में, तो 6 महीना तक मैंने सिर्फ नाम का ही चावल बट रहा है और काम का कोई चावल नहीं बट रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, किसके साथ आप इस बार जाइएगा, क्या भाजपा को वोट देने जाइएगा मनीष जायसवाल जी या कांग्रेस का कैंडिडेट जेपी भाई पटेल, किसका काम अच्छा लग रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल सर चुनाव का मुद्दा है विकास से, रोजगार से, किसी भी तरह का रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, बिजली से जुड़ा हो। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रहा रोजगार का, क्योंकि लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर वोट करते हैं, जबकि धर्म का संबंध इलेक्शन से नहीं होता है, वो आस्था है। अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो अपनी मन की शांति के लिए होता है। लेकिन हमें वोट करना चाहिए विशेष करके जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे ज्वलंत मुद्दा, खास करके जो है इस क्षेत्र में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कंपनियों का, यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों का आना। बड़ी बड़ी कंपनियां तो आ गई लेकिन यहाँ की जो जन समस्या हुए उसका समाधान नहीं कर पाए। तो यहाँ की जनता इस बार जो वोट करेगी, मंथन करेगी कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा, उसी को लोग वोट करेंगे। मोदी की गारंटी की बात हो रही है, भाजपा के जो प्रत्याशी है वो लगातार मोदी की गारंटी को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास है या कांग्रेस की न्याय पर विश्वास? देखिए सर, मैं नरेंद्र मोदी का मैं स्वागत करता हूं, अपने जगह पर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो 6 साल आपके रहे दस साल रहे जेएन सिन्हा, 2 टर्म में रहे, लेकिन उनका इस क्षेत्र में जो लोगों का जो रहा जुड़ाव, बिल्कुल वहाँ पे कोई जनता की समस्या बराबर नहीं किया गया। अगर वही मुद्दा लेकर के अगर मतलब उनका जो है सो हमारे नरेंद्र मोदी का अगर मुद्दा लेकर के वो आते हैं, तो नरेंद्र मोदी अपने जगह पर फिट है, लेकिन सांसद को तो अपना कार्य करना चाहिए ना, इसी पर मंथन लोग कर रहे हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पे जेबी भाई पटेल आए हैं जो थोड़ा हम लोग से हटे हुए हैं, तो लोग मंथन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मुद्दा यहाँ पर आ रही है और वो समस्या है विकास का, रोजगार का। विकास और रोजगार का मुद्दा हम होने वाला है, महंगाई का भी मुद्दा लोग उठा रहे हैं। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। चाचा आप कई वर्षों से देख रहे हैं, कई सरकारें आए गई, अभी फिलहाल मोदी जी की सरकार चल रही है, आपके अनुसार मोदी जी ने कैसे कार्य किया है और इस बार किसके साथ जनता जाएगी? देखिए इन साल जो है ना, जो अगर चुनाव हो रहा है इसमें मोदी जो है सो जीत रहे हैं, उसमें मनीष जायसवाल हैं। अगर वो रहते हैं, आपको क्या नाम हुआ इनका, जयंत सिन्हा रहते तो उनको वोट नहीं मिलता, लेकिन वो उनको टिकट नहीं मिलने छोड़ करके ये जो मिला है इनको मिला है। अब इनको इधर बड़का गांव का जनता टोटल उनको वोट दे रहा है नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए, और ख़ास करके ये जायसवाल जी को भी। कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर वोट जो है? देखिए अभी हजारीबाग ये तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन लोकसभा का चुनाव में जयंत सिन्हा कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी तो हिंदुस्तान में काम कर ही रहे हैं और इधर भी काम कर रहे हैं। रही बात कि आपको जो यहाँ राज्य में जो ये सरकार जो हुआ है, आपको कौन हेमंत सोरेन का, इसमें इतना भारी चोरी और डकैती हो रहा है ना कि तराई तराई कर रहा है अभी गांव के लोग में। अभी एक लोग जाइए रसीद कटाने के लिए जाइए तो आपको कितना पैसा मिलेगा? हाँ, एक वो रसीद कटाने के लिए जाइएगा उसमें आपको 15,000, 20,000, 50,000 रुपया लगेगा, LPC बनाने में लगेगा 20-25 हज़ार लगेगा, इतना घुसखोरी बढ़ गया है।
कैसे प्राण बचेगा आदमी को, सो आपको कहना मुश्किल है। तो उसी तरह प्रकार से जेल में खट रहा है। तो लोगों को मोदी जी का काम पसंद आ रहा है, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगी एकदम 100%, उसमें कोई हराने वाला है ही नहीं। जाइए आपको कर दिया। और लोग मौजूद है भैया, आपका क्या नाम? अवधेश कुमार वर्मा। अवधेश जी, बड़का गांव निवासी हैं आप, हजारीबाग लोकसभा से किसे जीतना चाहेंगे, किसे जिताना चाहेंगे? अभी तो देखिए, हम लोग मोदी को ही कर रहे हैं पूरा सपोर्ट। अभी मोदी जी ही हम लोग के लिए बहुत। मोदी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? उनका बहुत सा काम है, वर्ल्ड लेवल पर भी है, लोकल भी है, उनका बहुत सा काम है। राम मंदिर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार? वो भी देखिए, मुद्दा है अपनी जगह पर है राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा भी अभी सक्रिय है, कश्मीर 370 का भी सक्रिय है। हमारे साथ युवा वर्ग जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। भाई क्या नाम हुआ? राहुल कुमार सोनी। एक युवा होने के नाते इस बार किसको आप वोट देने जा रहे हैं अपना? क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएगा युवा, या कांग्रेस की न्याय जो राहुल गांधी कह रहा है उसके साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ क्यों? ऐसा क्या काम अच्छा लगा बीजेपी का जो आपको कांग्रेस की सरकार का अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए आप बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ इसलिए है क्योंकि हर सेक्टर में देखा जाए, इकोनॉमी के सेक्टर में देखा जाए, देश विदेश की नीति के सेक्टर में देखा जाए, गरीबी के सेक्टर में देखा जाए, हर सेक्टर के तहत देखेंगे तो हम लोग बीजेपी बहुत अच्छा की है। और ये 10 साल जो दो बार सरकार बनी, वो देश को जो 70 साल में जो नहीं हुआ वो करके दिखाए, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं बीजेपी से। हमारे देश के जो लोग हैं वो लगातार रोजगार का मुद्दा उठाते हैं कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि देश के युवा, झारखंड के युवा बाहर जाते हैं जहां उनका शोषण हो जाता है, तो इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? तो झारखंड के सेक्टर में देखा जाए तो इससे पहले तो कांग्रेस की ही ना सरकार थी, कांग्रेस JMM की सरकार है, हाँ अभी भी है। तो वो क्या की 5 साल में? JPSC की मुद्दा है और सभी सारा पेपर लीक हो जाता है, इसमें तो बीजेपी का तो देन नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही सरकार है, तो इसमें बीजेपी को हम कैसे अगेंस्ट कर सकते हैं, बीजेपी को कैसे बोल सकते हैं? तो युवा वर्ग अपनी राय रख रहा है, कुछ और लोग मौजूद हैं। दादा किसे वोट देने जा रहे हैं इस बार? हम लोग भी सोच के बताएंगे। सोच के बताएंगे। अच्छा, कौन सा मुद्दा है आप लोग के लिए? रोजगारी, महंगाई, कौन सा? हम लोग का ठीक है, मोदियों का ठीक है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे विस्थापन का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विस्थापन का मुद्दा को लेकर लगातार के लिए बहुत खराब मुद्दा है, विस्थापन के लिए बहुत खराब मुद्दा है। बाहर बाहर से लोग के ला करके रखा है, जमीन लिया यहाँ का आदमी का और यहाँ का आदमी के बेघर किया जा रहा है, तो इस तरह से कैसे चलेगा और कैसे रहेगा? हर जगह मतलब तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का कहना है कि विभिन्न मुद्दों पर हम वोट करेंगे, और मोदी जी का काम किसी को अच्छा लग रहा है तो किसी को कांग्रेस का न्याय अच्छा लग रहा है। जनता जनार्दन जारी है, हम यही जनता से जानने के लिए जुड़ रहे हैं कि इनकी क्या मांग है इस चुनाव में। चची, इस बार क्या अहम मुद्दा रहेगा जिसको लेकर आप अपना वोट देने जाएंगे? तो किसको वोट देना चाहिए आपके मन में, कौन है, मोदी जी या कांग्रेस? मोदी जी। हाँ, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लग रहा है? उज्ज्वला गैस योजना भी मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है, क्या वो अच्छा लग रहा है? बहुतों दे रहे हैं, बहुतों फंक्शन है। हाँ, गरीब को अभी राशन दे रहे हैं तो, और कंपनी द्वारा हम लोग को बहुत तकलीफ है, लेकिन एक आदमी से नहीं होता है कुछ, जब सारा आदमी भिड़ेगा तब न कंपनी से लड़ाई होगा, तो क्या कीजिएगा, हम लोग क्या कर सकेंगे? जो बड़ा बड़ा नेता लोग है वही लोग ऐसे कंपनी तरफ घुस जाते हैं, तब क्या कीजिएगा, यही बात है। तो चाची को मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है, कुछ और लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। चाची, महिलाओं को लेकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी तो सबके हम इनके राहत कर ले, और जितना वोट देबो सब हम इन मोदी जी के देबो, कोई रुक गरुक ना देबो। काहे मोदी जी को कहे देबे, क्या कार्य है मोदी कारण?
मोदी जी अभी सब चार चुन पूरे लोग और पैसा कौड़ी दे मोदी जी। अरे हाँ मोदी जी के समर्थन में यहाँ पे महिलाएं बात कर रहे हैं, कुछ और महिलाएं मौजूद है। चची फूलगोभी कैसे? 20 रुपये। कैसा मार्केट है आज क्योंकि चैत्र नवरात्रि खत्म है मार्केट में कुछ बिक्री इनका भी 30-25 में बिकल हो तब ने सस्ता बिका लागल है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में किसको वोट देने जाइएगा आप, मोदी जी की कांग्रेस? कांग्रेस के कांग्रेस को हाँ। ऐसा क्योंकि आपके जो यहाँ मित्र लोग हैं उन लोगों का कहना है कि मोदी जी हम लोग के लिए बहुत काम किया है, उज्ज्वला गैस योजना दे रहे, तो आप कांग्रेस को का है? मोदी के दे भाई अभी तो कांग्रेस। आपसे जानना चाहेंगे भैया, युवा है आप, कौन से मुख्य मुद्दे को लेकर वोट देने के लिए? मुख्य मुद्दा कौन सा है? बीजेपी रहेगा। बीजेपी रहेगा, बीजेपी क्या है सरकार? बीजेपी ने बहुत कुछ ऐसे किया है जैसा कि जैसा पढ़ाई लिखाई के बारे में, शिक्षित के बारे में, रोजगार के बारे में ऐसे किया है। तो लोग अपने अपने राय रख रहे हैं, यह बड़का गांव का सब्जी बाजार है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ मौजूद है, सब्जी खरीद रहे हैं, युवा मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे भाई कि इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? हम वोट ही नहीं देते हैं। तो देखिए ऐसे भी कई लोग मिल रहे हैं जो वोट ही नहीं देते हैं।